आप सबको मेरी नमस्ते। इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ठेले जैसे टेस्ट वाले नूडल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये छोटा मैंने पतीला ले लिया पानी का, आधा पतीला पानी भर लिया इसमें, और ये पैकेट एक नूडल्स का ले लिया, ये 150 ग्राम का पैकेट है। और ये हाका नूडल्स हैं, वो नूडल्स लिए मैंने। और अभी इनमें थोड़ा सा नमक और एक चम्मच हमने तेल डाल देना है और इसे बॉईल आने देना है। तो बहुत ही झटपट से पक जाते हैं, इनको कोई ढकना नहीं है। और देखिए अच्छे से बॉईल आ गया। और अभी हम इन्हें चेक करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गलने नहीं चाहिए। तो हाथ से तोड़ने पे पता चल जाता है ये थोड़े सख्त ही रखने हैं, 80% तक पकाने हैं। बहुत ज़्यादा गल गए तो ये आपस में चिपक जाते हैं। अभी हम इन्हें छान लेते हैं। तो ये हो गए अभी, तो मैंने इन्हें छलनी से छान लिया अच्छे से। और ये अभी मैंने एक प्लेट में इन्हें फैला देना है इस तरह से, और कर्द से ये पूरे बिखेर देने हैं इस तरह से। अभी मैंने गैस पे रख दी कढ़ाई और 2 बड़े चम्मच मिला दिया तेल। तेल गर्म होने पे हमने इसके अंदर मिला दिया लहसुन बारीक कटा हुआ 1 चम्मच, और थोड़ी सी मिला दी हमने हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद हमने मिला दिए प्याज, तो 1 प्याज मोटा मोटा सा कटा हुआ। तो गैस हमने एकदम से फुल रखनी है, कोई भी चाइनीज़ कुकिंग करनी हो गैस फुल ही होनी चाहिए। तो जब बहुत ही फास्ट कुकिंग होती है चाइनीज़ कुकिंग, तो प्याज बहुत ज़्यादा हमने पकाना नहीं है। और इसके अंदर मिला दी हमने 1/2 कप गाजर, और 1/2 कप से थोड़ा सा कम मिला दिया बंद गोभी। इन्हें भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ी देर ही पकाना है। और बस अभी हो ही गया, अभी बस इतना ही पकाना है इन्हें। और इसके बाद अभी हमने इसके अंदर मिला दिया जो हरा वाला प्याज होता है वो मिला दिया, और ऊपर से मिला दी शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च लास्ट में इसलिए मिला दी कि वो गल जाती है, अगर पहले डालते तो इस तरह से वो क्रंची रहती। तो शिमला मिर्च को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। तो होगी अभी, अभी हमने इसके अंदर मिला दिया बिल्कुल थोड़ा सा नमक, तो नमक पहले भी डाला था। तो अभी ये देखिए, ये है 1.5 चम्मच सफ़ेद वाला सिरका, तो जो मैंने अभी मिलाया है लेकिन वो मेरे से स्किप हो गया, तो सॉरी उसके लिए, वो देखिए दिख भी रहा है। और इसके बाद मैंने मिला दिया 3 छोटे चम्मच सोया सॉस के, और 1.5 चम्मच मैंने मिला दी जो चिल्ली वाली सॉस होती है रेड चिल्ली सॉस, वो मिला दी। और 1.5 चम्मच ही मैंने मिला दी ग्रीन वाली सॉस, और ये मिला दी मैंने टोमेटो केचप, ये मिला दिया मैंने 1.5 चम्मच। तो अभी इन्हें मिक्स कर लेना अच्छे से, और ऊपर से मिला दिया अभी जो हमने बॉईल करके रखे हुए नूडल्स, तो धीरे धीरे करके डाल दे। अभी ऊपर से डाल दिया 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर, और अभी इन्हें हमने अच्छे से मिला लेना। और मैं अभी एक और स्पून ले रही हूँ बड़ा सा, और इस तरह से अच्छे से मसाला जो हमारा सॉसेज हैं वो नूडल्स में मिलानी है हमने। तो दोनों साइड से इस तरह पकड़ के अच्छे से मिक्स हो जाती है नूडल्स में सॉसेज, तो वरना मुश्किल होता है इस तरह हिलाना। तो इस तरीके से भी करें और इस तरह भी करें, तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये सॉसेज हमारी। और ये अच्छे से हो गए मिक्स, हमने ऊपर से डाल दिया हरा वाला जो प्याज है वो, और अभी हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो टेस्टी से नूडल्स देखिए एकदम से टेस्ट मार्केट जैसा आएगा, बहुत ही अच्छे बने हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, बाय बाय फ्रेंड्स।